हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, क्या आप भी बिहार में जॉब करने में इंटरेस्टेड हो? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो नोटिफिकेशन जो निकल के आई है, जो वैकेंसी जो निकल के आई है, वो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है वो बिहार विधान परिषद सचिवालय की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब होने वाली है। बात अगर हम सैलरी की कर ले या बात पोस्ट की कर ले, बहुत ही अच्छी पोस्ट भी है, सैलरी भी 30-40 हज़ार से ऊपर ही होने वाली है। एंड जिस रिक्रूटमेंट की मैं बात करने वाला हूँ, जिस वैकेंसीज के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ, ये न्यू वैकेंसी है, कोई पुरानी वैकेंसी की बात मैं नहीं करने जा रहा इस वीडियो में। तो पोस्ट नेम देख सकते हो आप, निजी सहायक प्रतिवेदक आंसू लिपि के लिए रिक्रूटमेंट आई है। इस जॉब से रिलेटेड जो भी डिटेल्स में जानकारी है, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तो जरूर देखना एंड फुल नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मैं ले जाके आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप भी जॉब करने में इंटरेस्टेड हो और इस फॉर्म के लिए आप ऑनलाइन करने वाले हो, तो ऑनलाइन करने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि जो भी डाउट्स है, क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आवेदन करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि जो भी डाउट्स है वो आपको क्लियर हो सके, आप इजिली आसानी से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाना चाहूंगा जो बिहार विधान परिषद का है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है। आप लोग कैसे कर पाओगे, कैसे और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाओगे, ये भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसलिंग, बिहार विधान परिषद में रिक्रूटमेंट निकल के आई है। नोटिफिकेशन देख सकते हो, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे ओपन करोगे तो यहाँ पे इस तरह का आपको जो है इंटरफेस शो होगा, वैकेंसी के बारे में शो होगा, पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है, जो पीडीएफ है, वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद किस तरह का शो होगा, सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप लोगों को एक पीडीएफ, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो इस तरह का एक पीडीएफ आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो इसमें डेट्स वगैरह सब डिटेल्स में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़ के बताना चाहूंगा क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले हम डेट्स की बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा था। यहां पे आप डेट्स देख सकते हो, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि जो है स्टार्ट होना जो है 23/7/2019 को 11 बजे से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो वो जो पे करना है आपको 23/7/2023 तक ही, 11 बजे तक ही पे करना है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट की बात की जाए, तो वो आप लोगों की जो होने वाली है 12/8 तक जो है आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। एंड परीक्षा शुल्क जो है पे करने की लास्ट डेट जो है वो 12/8 तक ही करना होगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है, उस चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना, ये कैसे करना है ये आप लोगों को मैं बताऊँगा। वहाँ पे आप इजीली जाके विजिट कर पाओगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाओगे। एंड इसमें जो मेन चीज़ है जिसके बारे में आपको जाननी ही चाहिए, उस चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम करने के बाद क्या है मैं आप लोगों को क्लियर बता पाऊंगा। ये जो पीडीएफ है, 7 पेज का पीडीएफ होने वाला है। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैंने डेट्स के बारे में बता दिया मैं आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को पोस्ट के बारे में बताता हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए। पोस्ट नेम तो वैसे भी मैंने थंबनेल में बताया भी है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला पोस्ट है प्रतिवेदक, इसमें जो आप लोगों को सैलरी जो होने वाली है वो 53,100 से लेकर 1,67,800 के बीच जो है सैलरी होने वाली, लेवल 9 के अकॉर्डिंग है। एंड इसमें जो है क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 150 शब्द प्रति मिनट्स है, हिंदी टंकर में अंग्रेजी टंकर में गति 35 शब्द प्रति मिनट्स है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर पाठ्यक्रम में एक सर्टिफिकेट की भी जरूरत अगर है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड नीचे आप मेंशन किया हुआ है, नोट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अपेक्षित आंसू लिपि गति वाले परीक्षार्थियों की जो पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 47 प्रति मिनट की आंसू लिपि गति पर इस वर्ष के लिए नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। इसमें ये मेंशन किया गया, अगर 150 जो है सब प्रति मिनट्स की टाइपिंग वाले स्टूडेंट नहीं मिल पाते, अगर नहीं पहुँच पाते, तो अगर आपकी स्पीड 140 है तो आपको जो है हायर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट में जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले निजी सहायक है। एंड निजी सहायक में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सैलरी क्या है। सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं, 44,900 रुपये आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। उसके बाद 1,42,400 रुपये तक की सैलरी होने वाली है। इसमें भी ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर रखी है, हिंदी में अगर 100 शब्द प्रति मिनट से आप टाइप कर लेते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आंसू लिपि की। सेम पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है एंड 25,500 से सैलरी होने वाली है। 81,100 रुपये तक जो है आप लोगों की सैलरी होने वाली है, मिनिमम सैलरी 25,500 रुपये है। एंड बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर लेते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड 80 सब प्रति मिनट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए कंप्यूटर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आरक्षण के बारे में दिया गया है, आरक्षण भी मिलेगा आपको। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आरक्षण भी दिया जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद और भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे आप न्यूनतम आयु की बात कर लें तो मिनिमम एज जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद जो है मैक्सिमम जो है अगर आप अनारक्षित हैं तो 37 ईयर्स होनी चाहिए। अगर एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं 40 ईयर्स। अगर एस सी एस टी वगैरह जो भी है कैटेगरीज के ऊपर जो है आप लोगों को एज का भी रिलैक्सेशन मिलेगा जो आप लोगों को मिलता आया है। एंड बात एग्जामिनेशन की कर लेते हैं कि परीक्षा कैसे लिया जाएगा। एग्जाम की बात कर लेते हैं तो एग्जाम जो है आपका टाइपिंग टेस्ट तो होगा ही, प्लस आप लोगों का रिटन एग्जाम भी होने वाला है। नेक्स्ट स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको टाइपिंग से रिलेटेड मेन मेन चीज़ें क्या दी गई है ये आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैं आप डिटेल्स में पढ़ नहीं सकता। अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग इरिटेट हो जाओगे। तो इसका लिंक में जो है मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूं, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। क्लियरली मेंशन किया हुआ 7 पेज का पीडीएफ है, आप लोग आराम से पढ़ के आप इजीली समझ पाओगे। एंड इसमें जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में तो मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फीस के बारे में कि फ़ीस क्या लगने वाला है। आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे तो फीस क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, जो जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जैसे अनुसूचित जनजाति वगैरह जो है। सबसे पहले हम रिजर्वेशन कैटेगरी की बात कर लेते हैं एससी एसटी के लिए। तो उसमें क्या है, अगर आप हैंडीकैप है 40% से ऊपर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 150 रुपीज़ आपको पे करना होगा। वहीं पर अगर आप जो है बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों व अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं बट जनरल कैटेगरी के हैं तो 600 रुपये पे करना होगा। और अगर अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये पे करना होगा। कैसे पे करना होगा, नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है फॉर्म भरने की तिथि कैसे क्या भरना है आप इसको पढ़ लेना, डिटेल्स में पढ़ लेना ताकि आप सब क्लियरली समझ पाओगे। एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन एक बार विजिट जरूर करना। वहाँ से जाकर डायरेक्टली क्लिक करके जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और लिंक भी डाउनलोड कर पाओगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया, अगर आपको जो भी मैंने जॉब से रिलेटेड बताया वो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। एंड अपनी राय कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।